एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग यानी कि दीपशिखा ब्लॉग में। तो कल है विश्वकर्मा पूजा और अभी रात का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कल सुबह पंडित जी सुबह आएंगे, इसीलिए सारे तैयारी जो है रात को ही करके रख दिया जा रहा है। मतलब 80% काम रात को ही करके रख दिया जा रहा है, सुबह बस इधर फल वूल काटने वाला काम रहेगा। और इधर देखिए, बच्चों का जो साइकिल है वो सब भी धुल के बाहर रखा गया है, और नीचे का जो गाड़ी है तो सब तो नीचे ही, और यहाँ बच्चों का गाड़ी सब रेडी हो गया है। मैं गई थी नीचे और पतिदेव ने दे दिया काम, क्योंकि वो डेकोरेशन कर रहे हैं, अभी लेट हो गया है। और इस बार का विश्वकर्मा पूजा भी 2 दिन पड़ गया, तो हम लोग का यहाँ संडे को नहीं मंडे को कर रहे हैं, कल सुबह, तो सुबह का मुहूर्त है तो इसलिए जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, वो तो नीचे डेकोरेशन कर रहे हैं और मुझे दे दिया इतना सारा काम। और देखिए, मैंने ज़्यादातर फ्लाई दिया है और दिव्यांशी यहाँ पे सोई हुई है, तो तब तक जल्दी जल्दी काम सब कर लें। तो सारे बैलून जो है फुलाना हो गया है और ये सजाना होगा कल सुबह। तो हम लोग अब मिलते हैं आपसे कल सुबह, अब हम जाते हैं सोने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग सब लोग रेडी हो गए हैं। 6 बज रहे हैं और 6 बजे हम लोग नहा वहा के पूरा रेडी है, क्योंकि पंडित जी बोले थे कि 6 बजे आएंगे, 6 बजे पूजा करवाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गया। और कैसा लगा डेकोरेशन ज़रूर बताइएगा। ये हम लोगों का मील है, तो पूजा नीचे मील में ही होता है। और सारे जो काम वगैरह है वो सब भी हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा काम बाकी है। और बाकी सब लोग जो है पंडित जी का इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे, क्योंकि सभी बिना खाए हुए हैं। तो जब तक पूजा नहीं होगा तब तक सब घर के सभी लोग नहीं खा के है। तो इधर काम वगैरह चल रहा था और उधर गाड़ी वगैरह सब कुछ रेडी हो रहा है। इधर देखिए, बच्चों का तीनों साइकिल जो है रेडी हो चुका है, और कितना अच्छा लग रहा है ना, तीनों बच्चों का साइकिल, और तीनों अपने में ही मग्न है, तीनों अपने में मस्ती कर रहे हैं। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में, क्या क्या होता है दिखाती हूँ। तो फाइनली बहुत ही इंतज़ार के बाद पंडित जी आए हैं 11 बजे। सोचिए आप, 6 बजे का पूजा 11 बजे हो रहा है, तो कितना मतलब इंतज़ार करना पड़ा। ओम जज्जाग्रत धर्मदैति दैवं दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिर्तमं नमः शिवाय। शंकरते सिद्धिरस्तम जज्जाग्रत धर्मदैति दैवं दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिर्तमं नमः शिवाय। शंकरते सिद्धिरस्तम सत्यं 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 सत्यं। ओम जवाकुसुम संकाशं धन्वरिं सर्वपापघ्नं दिवाकरं। जवाकुसुम संकाशं काश्यपं महादेवीं धन्वरिं सर्वपापघ्नं पुनर्दोषी दिवाकरं। और मेरी बेटी को देखिए, यहाँ पे कितने सुंदर से बैठी हुई है, तब से वो आधा घंटा पूजा में ऐसी ही बैठी है, ना इधर गई है ना उधर गई है। तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने सुंदर से सारे बच्चे पूजा में बैठे हुए हैं। Thank you.
सो फाइनली पूजा हो गया खत्म और सुबह से इंतजार करते करते अभी 10:30 बजे पंडित जी आए हैं और 5 बजे का पूजा इतना लेट से हुआ है तब से सब लोग इंतजार करते करते तो बहुत थक गई हूँ। तो आज का ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं करती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू ब्लॉग में, तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर जरूर करें। टाटा।